हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना वैरिकोज वेन के बारे में कि पैरों में एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसे डीप वेन्स बोलते हैं, काफी गहराई में होती हैं, और दूसरी जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वैरिकोज में नॉर्मली इनका पार्ट होता है। सो ये स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा हमने ये भी जाना, जब हम चलते हैं तो हमारी जो काफ मसल्स होती हैं पिंडलियों में, ये खून को पंप करती हैं और खून नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। साथ ही ये भी देखा कि वेन्स के अंदर ये अगर वेन है, वेन्स में वाल्व होते हैं जो खून को केवल नीचे से ऊपर जाने देते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आने देते हैं। पैर के स्ट्रक्चर में जो सुपरफिशियल और डीप वेन के जंक्शन में, यहाँ ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वाल्व होता है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जब कर रहा होता है, जब वाल्व फंक्शनिंग होता है, तो ऊपर की खून की नसों से भी खून आ रहा होता है और अंदर की खून की नसों से भी खून आ रहा होता है, और सारा खून मिलकर के ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये वाल्व खराब हो जाता है तो ये नसें तो खून, ये वेन तो खून नहीं लेके आ पा रही होती है, और जो सुपरफिशियल खून होते हैं, जो जो डीप नसों वेन से ब्लड आ रहा है, वो इसमें लीक करता जाता है, जिससे कि इफेक्टिव एम्प्टिंग नहीं हो पाती है पैर से खून की और वैरिकोज वेन होता है। सो नाउ कमिंग टू आफ्टर, आपको जब क्लिनिकली आप वैरिकोज वेन डायग्नोस होती है, डॉक्टर आपका ये जो लीकेज बताया उसको अल्ट्रासाउंड से चेक करता है, और अगर अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर टेस्ट में वो लीकेज कंफर्म होता है, तो फिर इस वैरिकोज वेन का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रेडिशनली जो ओपन सर्जरी होती थी, दैट यूज टू फोकस ऑन कि ये जो पूरी की पूरी वेन लीक कर रही है, इसको हम किसी तरीके से निकाल दें। इसके लिए एक कट लगता था थाई पे ऊपर, इसके अलावा एक मेजर कट लगता था घुटने के आसपास, और ये पूरी की पूरी वेन सेगमेंट निकाल देते। इसके अलावा कुछ जो प्रोमिनेंट वेन दिख रही होती हैं स्किन पे, उनके लिए अलग अलग स्किन इंसिजन लगने होते थे। ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होता था। आज के टाइम में नया ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं एंडोवीनस एब्लेशन, मतलब कि वेन के अंदर से, एंडोवीनस वेन के अंदर से, एब्लेशन मतलब बंद करना, वेन को बंद करना। सो एंडोवीनस एब्लेशन में हम घुटने के पास एक अल्ट्रासाउंड से देखते हुए वेन के अंदर एक तार लेके जाते हैं, और ये जहां पे इसकी डीप वेन से जॉइनिंग होती है उससे थोड़ा सा पहले तक रखते हैं। फिर जो ये फाइबर, इस तार के साथ जो मेन फाइबर होता है जो इस वेन को बर्न करता है, जिसे लेजर या आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, दो अलग अलग तरीके की मशीन्स हैं, बट दोनों का एसेंशियली काम सेम होता है। ये जो रेडियो आरएफए का फाइबर होता है, इसको हम इसी पोजीशन तक लेके आते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सबसे मेन काम जो होता है वो इस वेन के चारों तरफ सुन करने की दवा, जिसे डायल्यूटेड लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, वो कुछ इंजेक्शंस के साथ इंजेक्ट करते हैं। ये पूरे प्रोसीजर का सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, लेकिन इट मेक श्योर कि जब इसके बाद हम वेन को बर्न करेंगे तो आपकी स्किन को, आसपास के नर्व्स को कुछ डैमेज ना हो, जो भी हीट होती है वो ये लोकल एनेस्थीसिया अब्सॉर्ब कर लेता है। एक बार जब हम आरएफए से या फाइबर से लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद, फिर हम उसको फाइबर को फायर करते हुए धीमे धीमे वापस खींचते हैं, जिससे कि ये वेन इवेंचुअली क्लोज हो जाती है। घुटने के नीचे एक नर्व होती है जो इस वेन के बहुत पास पास जा रही होती है, इसलिए हम नॉर्मली जो आरएफए या लेजर है वो घुटने के नीचे बहुत नहीं करते हैं, क्योंकि उस हीट से इस नर्व के डैमेज होने का खतरा होता है। अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो आपके पैर में इस पार्ट में थोड़ा सूनापन सा रह सकता है, इसलिए घुटने के नीचे का ये जो पार्ट है इसमें अधिकतर हम एक इंजेक्शन होता है जिसे स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं, इन वेन्स में इंजेक्ट करते हैं, ये भी इन वेन्स को क्लोज करने का काम करता है। और जैसे ही प्रोसीजर खत्म हुआ, उसके बाद हम आपको एक स्पेशल तरीके के मोजे होते हैं जिन्हें हम स्टॉकिंग्स बोलते हैं, क्लास टू कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनाते हैं। ये नीचे से ऊपर तक वेन्स में कंप्रेशन लगा के रखता है, जो वेन्स अभी फ्रेशली क्लोज हुई हैं इनको बाहर से प्रेशर लगा करके रखता है। ये स्टॉकिंग्स शुरू में आपको 3 दिन तक तो 24 घंटे पहननी होती हैं, उसके बाद फिर डे टाइम
स्टॉकिंग्स पहननी होती है आपको फॉर सिक्स वीक्स। सिक्स वीक्स के बाद ये वेन बंद हो जाती है। ऑल्दो स्टॉकिंग के साथ अगर आपको याद होगा कि पैरों में वेन का वेन्स में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, जब आप चलते हो तो पिंडलियां इनको पंप करती हैं। इसलिए तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रीटमेंट का, कि अलॉन्ग विथ स्टॉकिंग्स और लेजर आपको चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बाकी किसी ट्रेडिशनल सर्जरी से इसलिए अलग होता है कि यहाँ पे आपको कोई भी बेड रेस्ट नहीं लेना है फ्रॉम डे वन। सर्जरी के एक आध घंटे के बाद से फ्रॉम डे वन वी स्टार्ट मेक यू वॉक। सो हमने जैसे अभी तक देखा कि सर्जरी के तीन पार्ट हुए, एंडोवीनस एब्लेशन। एंडोवीनस एब्लेशन मतलब कि वेन को अंदर से बंद करना। मेनली चार तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेजर और आरएफए। ये दोनों वेन को गर्म करके हीट के द्वारा बंद करने का काम करती हैं। फार्माको मैकेनिकल एब्लेशन, इसमें वेन को अंदर से स्क्रैच करते हुए और साथ में एक इंजेक्शन देते हैं। और ग्लू, ये काफ़ी ये लेटेस्ट टेक्निक है, इसमें वेन को एक तरीके से अंदर से चिपका के बंद करते हैं। ये पहला पार्ट हुआ। इसके बाद स्टॉकिंग्स पहनना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तीसरा वॉकिंग। ये तीनों पॉइंट लिखने की ज़रूरत इसलिए है कि अक्सर आप मैक्सिमम पैसे इस चीज़ पर खर्च करते हैं तो यू फोकस मेन ऑन दिस, लेकिन स्टॉकिंग्स पहनना और वॉकिंग जो कि फ्री में आती है, दे ऑल थ्री आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट गड़बड़ होता है सो जो ट्रीटमेंट का आउटकम है दैट इज कॉम्प्रोमाइज।